हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSC Solutions में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फास्ट कैलकुलेशन करना कैसे सीखें। तो ये हमारा पहला ही वीडियो है इस सीरीज का। तो इसमें हम सीखेंगे कि 11 से 19 के बीच किसी संख्या का 11 से 19 के बीच किसी संख्या अन्य संख्या से जल्दी से गुणा कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल 12 का 15 से मल्टीप्लाई या गुणा कैसे करेंगे। तो चलिए सीखते हैं इसको हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपने को क्या एग्जांपल क्या लेते हैं, 12 से 15 वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। तो एग्जांपल नंबर 1, 12 को गुणा करना है 15 से। तो करना क्या है, जो ऊपर वाली संख्या उसको पूरा का पूरा नीचे वाली संख्या में इस तरह से जोड़ देना है, मतलब 12 को 5 से जोड़ के लिख देना है। फिर ऊपर वाली संख्या का 2 और नीचे वाली संख्या का 5 को गुणा करके यहां लिख देना है। तो ये और फिर आप इनको जोड़ देना है, 180 आ गया। अब आपके सामने दो क्वेश्चन होंगे कि मैंने ऊपर वाले संख्या 12 को पूरा पूरा नीचे वाले 5 के साथ क्यों जोड़ा और इस 2 को 5 के साथ गुणा क्यों किया। तो इसको समझिए, यहाँ आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 प्लस 5, और इनको अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों में आधार क्या मान लेते हैं, 10 बेस मान लेते हैं कि दोनों संख्या 10 से बड़ी है और 20 से छोटी, तो आधार 10 हो गया। फिर अपने को करना क्या है, ऊपर वाली संख्या पूरी की पूरी नीचे वाली संख्या में 10 से बड़ा जितना है वो जोड़ देंगे, मतलब 12 और ये 5 हम जोड़ देंगे, 17 लिख दिया। फिर दोनों संख्याओं में बेस से जितना बड़ा है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब बेस से यहाँ 2 बड़ा है, यहाँ 5 बड़ा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इनको यहाँ ऐसे लिख दिया और इनको जोड़ दिया। और इनके बाद में आपके पास क्वेश्चन होगा कि मैंने 10 को इस 17 के इस तरह से नीचे क्यों लिखा, मैंने इस तरह से क्यों नहीं लिखा, या फिर मैंने इस तरह से क्यों नहीं लिखा। तो हमारा जो बेस क्या है, आधार क्या है, हमने जो लिया वो 10 लिया है। तो 10 के आगे जितने बिंदु होंगे उतने बिंदु यहाँ हमें उतनी ही संख्या हमें 17 के आगे रखनी है, मतलब 17 के आगे सिर्फ एक संख्या आनी चाहिए इस जगह, कोई एक संख्या, ठीक है। तो इसके लिए हम जो एक होगा उसको 7 के नीचे रखेंगे और इसको यहां रखेंगे, तो इस तरह 17 के आगे एक संख्या आएगी, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो अगले वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला वाला एग्जांपल हम क्या लेते हैं, अगला वाला एग्जांपल लेते हैं हम 16 को 12 से गुणा कैसे करेंगे। तो आपको बेसिक चीजें वही ध्यान रखने, एक जब तक मैं लिखता हूँ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 16 को 12 से। तो मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ, 16 और 12 2 18 और 6 दूनी 12 192। तो यहां मैंने किया गया 10, 16 को 10 प्लस 6 लिख लिया, 12 को कितना लिख लिया, 10 प्लस 2 लिख लिया। वही करना है, नीचे वाली संख्या में 10 से बड़ा कितना है, 2 है, मतलब यहाँ बेस 10 है, 10 से बड़ा कितना है 2 है, ऊपर वाली संख्या में जोड़ दिया तो 18 आ गया। इन दोनों संख्याओं में 10 से बड़ा कितना कितना है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो 192 आ गया। और यहाँ सिर्फ एक संख्या चाहिए अपने को, तो 1 को 8 के नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से अपना आंसर आ गया, ये क्या पहले फिर ये क्या, दो स्टेप है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि और समझ में आ जाएगी। वो एग्जांपल है आपको मल्टीप्लाई करना है 17 को 19 से। तब तक मैं लिखता हूँ, आप उसको मल्टीप्लाई खुद से कीजिए, समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया डाउट। तो तीसरा एग्जांपल क्या है, 17 को 19 से करना। तो मैं एक बार सीधा कर देता हूँ, 17 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 26। फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 63 हो गया, तो कितना हो गया 3, 6 दुनी 12, और जब एक असल बच गई उसको हम इसमें जोड़ देना है तो कितना हो गया 323। और कर किया गया 10 प्लस 7, 10 प्लस 9, ठीक है। और ये जो 9 था ऊपर वाली संख्या में ऐसा कैसे जोड़ के 26 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, 7 और 9 को गुणा कर दिया, 7 नमें 63 हो गया, और हमने ये करके लिख दिया। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। अगले वाली वीडियो में बात करेंगे कि जैसे दो संख्या है 21 से लेके 29 के बीच में दो संख्या और गुणा कैसे, 31 से लेके फिर 39 के बीच में दो संख्या उसका कैसे करेंगे। और आगे वीडियो में ये भी बात करेंगे कि 100 से बड़ी कोई दो संख्या जैसे 102 का 109 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सब आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद दोस्तों।